वहाँ ये वक्त उस जमाने में क्या होता था कि पानी गर्म करने के लिए एक राड होती थी तार की, वो बाल्टी में टब में ऐसे डालते थे। तो वहाँ वो गए तो पानी जब वो रखते बाल्टी में उसके अंदर वो करते, तो जैसे ही उनकी बीवी अंदर वॉशरूम में जाती कपड़े उतारती कि पानी गर्म हो रहा है तब तक दूसरे लवाजा पूरा करूँ, तो लैंडलाइन के फ़ोन की घंटी बजती थी। तो वो जल्दी से फिर कपड़े पहन के जाती तो फ़ोन पे कोई ना होता। तो रोज़ाना यही मामूल हो गया, जब वो राड वो पानी के अंदर रखें फ़ोन की घंटी बज हो अंदाजी कहे कि कौन है ये, किस तरह शरारत कर रहा है, एन उसी टाइम पे हो जाए। तो शोर से शिकायत कर दी, तो शोर ने कहा ठीक है तुम ये अमल करो तो मैं चेक करता हूँ। तो पानी राड के अंदर, राड डाली पानी के अंदर, वो अंदर गई, जैसे ही उन्होंने कपड़े उतारे तो घंटी बजी, तो शोर ने उठाया कोई भी आवाज़ नहीं। कह रहे हैं वहाँ उस वक्त लंदन के पूरे अखबार में ये चीज़ छिप गई कि एक औरत पानी राड के अंदर डालती है राड तो वो घंटी बजने लगती है। पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, पुलिस आई बैठी, वो जैसे उन्होंने डाला अंदर गई घंटी बजी, तो उनको शक पड़ गया कि मोहल्ले में एक मोटा तगड़ा है वो हमेशा टेरेस पे बैठा रहता है, तो हो सके वो ये अमल देखता है और वो फ़ोन करता है और बात नहीं करता। तो पुलिस को भी शक हो गया, उस बंदे को जो है इंटीमेट किया गया कि अब बजी तो तुम्हें गिरफ्तार कर देंगे। उसने कहा तो मुझे तो लेना देना नहीं है, मुझे तो घर भी नज़र नहीं आता। बहरहाल राड गई वो अंदर गई, वो बीवी ने कहा कि ऐसे पीएचडी को आग में डालो, अखबारों में आ गई है, फुहारी हो गई है, मैं यहाँ रहूँगी नहीं। अब बोरिया बोरिया बिस्तर बन गया। चोर ने कहा कि देखो अब मेरी आखिरी मराल में पीएचडी है, एक मौका और दे दो। तो वो मैथमेटिक्स के थे, उसने कहा एक मैं ज़रा कर लूँ। उसने क्या किया कि बीवी को कहा ठीक है तुम अंदर जाओ वाशरूम में। उन्होंने डाला घंटी बजी, उन्होंने उठाया इधर उधर देखा कोई भी नहीं। फिर उन्हें क्या किया कि कारपेट था, कारपेट के नीचे टेलीफोन की लाइन आ रही थी, पानी उसके ऊपर था बाल्टी, जैसे वो डालते वो भाप जो हीट आती उसकी हीट की हिद्दत से तार पे टच होता और वो घंटी बजती थी। हाँ उन्होंने वो तार ऐसे हटाई, रात डाला, मज़े से अंदर गई, कोई घंटी नहीं बजी। फिर मालूम हुआ कि उस हिद्दत से घंटी बजती थी, फॉर्मा का पूरे मोहल्ले पे शक किया जाए। लंदन में अखबार अल्लाह ताला ने मना फरमाया किसी पे शक न किया जाए, तो ये सारी एग्जांपल इस वजह से थी कि आप फॉर्मा का आदमी किसी पे शक न करें। सही बात।